वेलकम बैक माय चैनल कुमारी रीमा की रसोई में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं आटे से बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी बनाऊंगी जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। यहाँ मैंने 3 से 4 कटोरी के लगभग, जो कटोरी मैंने अभी आप लोग को दिखाया उसी से मैंने आटे डाले हैं यहाँ पे। उसे अच्छे से छन्नी की सहायता से छान करके लिए, इसमें 1 इंच के लगभग अदरक को कद्दूकस कर लिया, उसे मैंने डाला है। 2 हरे मिर्च को आप कट करें, उसे भी अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करें। ऑनियन को भी मैंने 2 ऑनियन को भी कट कर लिया है, जो आप देख सकते हैं मीन से कट करें। यहाँ टमाटर मैंने 1 लिया है, जिसे आप इस तरह से कट करें जैसा मैंने यहाँ पर किया है उसी तरह से आप। यहाँ पर लहसुन की पत्तियाँ मैंने कुछ ली है, आप ऑनियन की पत्ती या धनिया की पत्तियाँ भी इसकी जगह रख सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा बन जाए। यहाँ 1 से 1.5 चम्मच के लोग मैंने सफ़ेद नमक लिया है, स्वादानुसार आप भी लें और इसे डाल करके अच्छे से मिक्स करें। जीरा पाउडर मैंने भुना हुआ लिया है, आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं इसमें, जिससे ये और भी टेस्टी और यम्मी बने। इतनी पौष्टिक होती है कि मैं क्या बताऊं। तो आप इस तरह से मिक्स करके इसे आटे को अच्छे से गूँथ लें। 2 मिनट के लिए रेस्ट पर रखें, आटे को अधिक गीला ना रखें। जिस तरह से मैंने गूँथा है उसी तरह से आप भी यहाँ पे गूँथे और इसे बड़े से लोई कट कर ले और उसे दोनों तरफ से सूखे आटे से कोट करें और इसे रोटियाँ बेल ले, रोटी की तरह बेल ले, या ट्रायंगल भी साइड में पराठे की आप ही रूप दे सकते हैं इसे। आप जो साइड चाहे उस तरह से आप बना सकते हैं। थोड़ा मोटा ही रखें, तवे पे घी लगाए और उसे उलट पलट करके आप सेके, जैसे मैंने यहाँ पे पलट करके सेका है। आप धीमा फ्लेम रखें, इसी तरह से सारे पराठों को आप सेक ले और धनिए की चटनी, पुदीने की चटनी के साथ, आम की चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते। इतनी टेस्टी और यम्मी होती कि मैं क्या बताऊँ। धन्यवाद।